हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे कि एमडीडी और ओएमसी का ग्राफ कैसे बनाया जाता है एक्सेल में। क्योंकि मैंने यूट्यूब में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं देखा है जिसमें ये कायदे से समझाया गया है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो समय ज़्यादा नहीं गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से स्कैटर में कोई ग्राफ चूज कर लेते हैं। तो हम ये ग्राफ ले लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, राइट क्लिक करके सेलेक्ट डाटा करना है, इसमें ऐड सेलेक्ट करना है। इसमें हम टाइप कर देते हैं मेजर डेंसिटी रिलेशनशिप। इसके बाद एक्स वैल्यू लेना है, एक्स वैल्यू तो हम वाटर कंटेंट को एक्स में रखेंगे और y वैल्यू में क्या लेंगे, हम ड्राई डेंसिटी ले लेंगे। इसको हम ओके कर देते हैं। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अभी एड चार्ट एलिमेंट में जाते हैं और एक्सेस टाइटल प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और एक्सेस टाइटल प्राइमरी वर्टिकल, इसमें दोनों में हम डाल लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम वाटर कंटेंट डाल देते हैं, ये परसेंटेज में है। इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं और वाई एक्सिस पे हम y एक्सिस में हम ड्राई डेंसिटी डाल देते हैं, ड्राई डेंसिटी डाल देते हैं। इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, ये हमने लिखा हुआ है, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। ये आपके हाथ में, आप फंड भी आप चेंज कर देते हैं, चाहे तो ये फंड बढ़ा दीजिए। हम इसको 10 कर देते हैं मान लीजिए, यहाँ पे इसको भी हम 10 कर देते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा काम आ गया, आपका ग्राफ भी तैयार हो गया। थोड़ा सा ग्राफ हम अच्छी तरीके से बना लेते हैं। फिर से हम इसको क्लिक करते हैं और 8 माइनर ग्रिड लाइन करते हैं, तो ये छोटी छोटी लाइन आ गई है। फिर इसको हम क्लिक करेंगे दोबारा और फॉर्मेट माइनर ग्रिड लाइन करेंगे, तो इसके बाद ये कलर आ जाएगा। इसका कलर हम थोड़ा सा ये रख देते हैं और उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे और मेजर फॉर्मेट मेजर ग्रिड लाइन में आएंगे। हमने इसको भी कर दिया, यहाँ तक एक्स वाला हमारा काम हो गया। अब वाई पे आते हैं, सेम वैसे ही करेंगे, 8 माइनर ग्रिड लाइन आएंगे, फिर से क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मेट माइनर ग्रिड लाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा कलर, हम इसको कलर कर देते हैं। फिर से हम क्लिक करते हैं, इसके बाद हम फॉर्मेट मेजर ग्रिड लाइन कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ से कलर कर देते हैं। अभी देखिए हमारा काम हो गया। अब हमको क्या करना है, एक्सिस भी कर लेते हैं। तो पहले एक्स एक्सिस को फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट एक्सिस में, और यहाँ पे 0 से 14 है, ये 2 से, इसको हम 0.2 कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद फिर हम इधर भी चले जाते हैं, इसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट एक्सिस में ये 1. इसको 1.80 कर लेते हैं, ये हो गया। अभी हमारा सब कुछ सही हो गया। ये अभी हमको क्या करना है, एक ये यहाँ से MDD निकालना है,
ये लाइन खींचना है, इसको ऐसे बनाना है। तो आपको ये सब सीखने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि YouTube में ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन में आता है इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और एड ट्रेंड लाइन में जाते हैं। तो जैसे ही एड ट्रेंड लाइन में जाएंगे तो ये पोली नॉमिनल है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। फिर इसको हम नीचे चले जाते हैं, डिस्प्ले इक्वेशन आप चार्ट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अभी इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके बोल्ड कर देते हैं और इसको फॉन्ट इसका हम बढ़ा देते हैं। ये आ गया एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम ऊपर कहीं पे यहाँ पर रख देते हैं, ये हो गया। अभी फिर से हम इंसर्ट में जाते हैं और आपको टेबल बनाना है, आप यहां पर टेबल बनाना है, आपको ड्रॉ ग्रिड में चले जाइए, यहां पे टेबल बनाना है, ये हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर हमको ये देखना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 8 और 9 के बीच में ही घूम रहा है, ये देखिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपको 8 और 9 के बीच में ये कितना घूम रहा है ये निकालना है। तो हम यहाँ पे वाटर कंटेंट 8 लिख देते हैं और यहाँ पर 9 लिख देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसको ये बोल्ड कर देते हैं, इसको फंड 12 कर देते हैं, इसको। अब 8 वाटर कंटेंट पे ड्राई डेंसिटी क्या है, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फार्मूला निकालना पड़ेगा। फार्मूला, तो फार्मूला क्या है, y = -0.0084x2। x कितना है, 8 है, तो 8 नहीं 64, तो इनटू आपको क्या हो जाएगा 64। फिर उसके बाद आपको प्लस हो जाएगा 0.1435 इनटू x क्या है आपका 8 है, तो इनटू 8 हो जाएगा। फिर आपको प्लस 1.4305 आ गया, इसको हम एंटर कर दिए, हमारा आ गया, ये देखिए आ गया। इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, इसको थोड़ा फंड बड़ा कर देता हूँ। फिर इसको भी आप ड्रैग कर लीजिए, नीचे खींचिए, तो यही आएगा, लेकिन आपको फार्मूले में ऊपर चेंज करना पड़ेगा। तो ये 64 है, तो इसको 981 कर लीजिए, 81 हो गया, और यहाँ पे 8 के बजाय 9 कर लीजिए, फिर इसको इंटर कर दीजिए। अभी आपका ये देखिए आ गया। अब आपको ट्रेंड निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर ये ट्रेंड कैसे आ रहा है। तो ट्रेंड निकालने के लिए आपको एक फिक्स पॉइंट तो आपको रखना ही पड़ेगा, तो ये आप यहां से निकाल के देख लीजिए ये कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए एक खाना, दो खाना, तीन खाना, ये तीन खाने में आपको आ रहा है, तो यानी 6 हो गया। तो यहां पर हम लिख लेते हैं MDD और ये लिख लेते हैं OMC। तो OMC आपका 8.6 आ रहा है, हमने इसको ग्राफ से निकाल लिया, इसको लिख लेते हैं, ये हमारा। अब आपकी MDD कितनी आती है, MDD के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, ट्रेंड लिख देते हैं। ट्रेंड के बाद आपको नोन वाई मांग रहा है, तो वाई जो है आपका ये है। फिर उसके बाद आपको नोन एक्स मांग रहा है, तो नोन एक्स आपका ये है। फिर कोई नोन आपका कौन न्यू एक्स किस पे चाहिए, तो आपको 8.6 पे चाहिए,
ओएमसी में तो हम यहाँ पर 8.6 डालते हैं और ये बन कर देते हैं, फिर हम इंटर कर देते हैं। आपका क्या आ गया अभी, ओएमसी आ गया, देखिए 2.041 आ गया, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे ओएमसी क्या आ गया, 2.041 आ गया। यहां तक तो हमारा, अब हमको क्या करना है, एक लाइन इसको यहाँ पे खींचनी है और एक लाइन यहाँ खींचनी है और एरो हमको डालना है। तो पहली इस लाइन का हमको एक्स निकाल लेते हैं, इस लाइन का एक्स क्या होगा, ये तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो हम इसको जीरो लिख लेते हैं। और फिर यहाँ पे तो हमने 8.6 निकाला ही है, तो इसको 8.6 कर लेते हैं। फिर y निकालने में क्या होगा, y तो यही हो जाएगा इसका MDD 2.041 और यहाँ पे भी 2.041, यानी y दोनों वही हुआ। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इक्वल टू 2.041, इसको एंटर कर देते हैं और 2.041 इसलिए इंटर हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट डाटा कर लेते हैं, फिर ऐड करते हैं, ऐड में इसको हम डाल लेते हैं और फिर वाई में इसको सिलेक्ट करके इसको कर लेते हैं। ये बारा है, इसको एरो डालना है और ये एरो हम डाल देते हैं। चलिए यहां तक हो गया। फिर उसके बाद हमको ये लाइन डालनी है, ये वाली, तो इसको डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x इसका x क्या होगा, यानी इसका x तो वही हो जाएगा 8.6। और फिर से 8.6 हो जाएगा। तो x तो यही है, यही पॉइंट हो जाएगा ना x का, ये वाली लाइन खींचनी, तो इसका x पॉइंट तो यही हो जाएगा। और अभी y पॉइंट खींचना है, तो y पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा आपका, y के लिए एक तो ये हो जाएगा, यानी ये जीरो हो जाएगा, वही तो ये जीरो हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो यानी MDD हो गई। हमने इसको यहां लगा दिया और इसको सिलेक्ट कर दिया, ये हमारे पास हो गया। अभी हमको क्या करना है, फिर से हमने सिलेक्ट डाटा किया, फिर इसको ऐड किया, एड करने में x वैल्यू लेना है, हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, फिर इसको किया, फिर y में हमने इसको ले लिया, फिर इसको ओके कर दिया, ये देखिए पॉइंट आपका आ गया। इसको कलर लेना है, कलर हम इसको रेड कर देते हैं, जो ये रेड हो गया। और इसमें भी एरो लगाना है, फिर से इसको हम सिलेक्ट करते हैं, आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।